हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप लोग क्लास टेंथ में पढ़ रहे हैं और मैं आपको सभी विषय का पढ़ा रहा हूं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो मुझे लगा कि आपको मैं कुछ इंग्लिश का भी नॉलेज दूं, यानी कि इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। जैसे कि आज मैं आपके लिए ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ, तो इसी तरह से धीरे धीरे जो ट्रांसलेशन, जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, ठीक है, टेंस के बारे में। और जानते होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए, जो आप पढ़े थे उससे थोड़ा सा हट करके बताऊंगा और आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप आराम से बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि टेंस, जिसको बोलते हैं काल, और इसके बारे में पता है टेंस तीन प्रकार का होता है। कमेंट कीजिए सब लोग। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस, इसके बारे में पता है। ये तीनों टेंस के बारे में आपको पता होगा कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, जो अभी वर्तमान के समय में, जो वर्तमान के बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो अभी के बारे में कुछ बता रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। और पास्ट टेंस के बारे में जानते हैं, जो काम हो गया है, ठीक है, हम लोग खाए थे, वो जाते थे, तो यहाँ पे हिंदी में भी पहचानने के आ रहा कि लास्ट में था या थे लगा रहेगा, ठीक है, हम लोग जाते थे, वे खाते थे, इस टाइप का। और फ्यूचर के बारे में जानते होंगे, जो गा गे गी, हिंदी क्लास में गा गे गी लगा रहता है, जैसे कि आप पढ़ोगे, तुम आओगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस टाइप का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और आपको ये भी पता होगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों का चार चार प्रकार है ना, जानते हैं ना, तीनों का चार चार प्रकार है। प्रेजेंट टेंस को बोलते जो प्रकार है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। और पास्ट में उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में भी सेम इसी तरह से है। तो अभी मैं उतना डीपली में नहीं जाऊंगा। इसका जो पहला पार्ट्स है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और बहुत ही इजी से बताऊंगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस का पार्ट्स है, इसमें हर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, हर लोग को देखता हूँ इसमें कंफ्यूज करते हैं। और कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि उसको V1 या V5 इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, अक्सर गलती करता है, ठीक है, और आपको ये पता होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका पहचानने का तरीका ये है कि हिंदी के आखिर में, जो हिंदी वाक्य लिखा रहेगा उसके आखिर में ता लिखा रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, इसी तरह से, जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मुझे पढ़ाने आता है, आपको पढ़ने आता है, वो वहाँ खेलता है, ता है, ते ही सब लग रहा, इस तरह का जब होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समझ रहे हैं, यानी कि ता है, ती है, ते है, ऐसे अगर लगा रहे हिंदी के सेंटेंस के आखिर में तो समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, समझ गया तक। अब इसको मैं मिटाता हूँ और इसको बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूँ। तो है तो बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन इस वीडियो में ज़्यादा नहीं लंबा करूँगा, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट 100% सिखा दूंगा, पूरी वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, समझ में आ गया, लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा। इसके बाद आपको मैं सेट इधर बताता हूँ, आप जो जो वर्ब याद किए हैं, प्ले मिस खेलना, गो मिस जाना, कम मिस आना, टीच मिस पढ़ाना, ऐसे याद किए ना, अब मैं आपको याद कराता हूँ इस तरह से, इस तरह से याद करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ प्ले मिस खेलता है, ठीक है, गो मिस जाता है, कम मिस आता है, स्लिप मिस सोता है, इस तरह से अनेकों वर्ब हो जाएगा, है ना, टीच मिस पढ़ाता है, इस तरह से बहुत सारा वर्ब है, आपके पास किताब भी होगा मेरे ख्याल से वर्ब वाला, तो उसमें आप पढ़े होंगे प्ले मिस खेलना, गो मिस जाना, कम मिस आना, स्लिप मिस सोना, टीच मिस पढ़ाना, इस तरह से बहुत सारा वर्ड पढ़ लिए होंगे, आपको याद भी होगा मेरे ख्याल से। लेकिन अब आपको याद करना है प्ले मिस खेलता है, ठीक है, और गो मिस जाता है, कम मिस आता है, स्लिप मिस सोता है, टीच मिस पढ़ाता है, ये आपका, इसका ये जो है
ये जो ऑलरेडी जो दिख रहा है ना, जो भर आपको दिख रहा, ये आप क्या याद किए हैं कि भीवन के रूप में याद किए होंगे, क्या याद किए हैं कि भीवन, यानी कि भीवन होता है, लेकिन वो गलत है, वो गलत है। रियली में जो वर्ब होता है, वर्ब जो एक्चुअल में जो वर्ब होता है वो होता है प्लुरल। क्या होता है? प्लुरल। याद रखना वर्ब अपना रियल रूप में प्लुरल के रूप में रहता है, ठीक है। यानी कि ये सब जो प्ले, गो, कम, स्लिप, टिस, ये क्या है? प्लुरल में है, सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है, ठीक है। सिंगुलर नहीं है, क्या है? प्लुरल है। तो याद रखना जो वर्ब जो होता है मूल वर्ब, जो रियल वर्ब होता है वो क्या होता है? प्लुरल होता है। अब हमको इसको सिंगुलर बनाने की जरूरत पड़ेगा। तो आप पढ़े होंगे पेन का पेंस बना देते हैं, बुक का बुक्स बना देते हैं, है ना, शर्ट का शर्ट्स कर देते हैं, बॉक्स का बॉक्सन कर देते हैं, या बॉक्सेज कर देते हैं, ऑक्स का ऑक्सन कर देते हैं, इस तरह से। तो सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। यहाँ पे ये जो प्लुरल है, प्लुरल से भी सिंगुलर बनाएंगे। ऐसा में वर्ब रियल रूप में क्या होता है? प्लुरल के रूप में रहता है, और इसको चाहे तो हम सिंगुलर बना सकते हैं। तो सिंगुलर बनाने का वही नियम है जो प्लुरल बनाने के नियम है। तो प्ले में क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेज बन जाएगा। गो में जोड़ देंगे ई एस तो क्या हो जाएगा? गोज बन जाएगा। कम में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। स्लिप में जोड़ देंगे, प्लुरल बना देंगे, इसको सिंगुलर बन गया स्लिप्स। टीच कर देंगे तो देखो टीचेस, ये क्या है? ये रियल में क्या है? प्लुरल है। अब भीवन भी फाइव छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, भीवन कौन है, भी फाइव छोड़ा है। ये जानो जो रियल वर्ब होता है जो याद करते हैं, प्ले, गो, कम, टीच, हेयर, कम, स्लीप, सीट, फ्लाई, ये सब जो रियल होता है क्या होता है? प्लुरल होता है। और जो एस या एस लगा के बनाते हैं वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ये याद रखो, सिंगुलर, ठीक है, ये याद रखना। अब इसका मतलब भी वही होता है जो प्ले का मतलब होता है खेलता है, तो प्लेज के मतलब भी खेलता है, ठीक है। तो किसी से बनाइए, गो मतलब जाता है, तो गोज का मतलब भी जाता है, कम मिस आता है या कम से मतलब भी आता है, स्लिप या स्लिप से मतलब सोता है, टीच या टीच मिस टीचेज मिस पढ़ाता है, ठीक है। और फ्लाई या फ्लाइज मतलब दोनों का मतलब उड़ता है, ठीक है। तो जितना सारा वर्ब है, अब आपको समझ में आ गया इसमें कन्फ्यूजन। आपको जो भी वन भी फाइव थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता था कि भी वन कौन है, भी फाइव कौन है, पहचाने में कन्फ्यूज होते थे किसके साथ क्या लगाना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक बात याद रखो, जो रियल जो वर्ब होगा वो कैसे होगा? प्लुरल फॉर्म में होगा। क्या होता है? प्लुरल फॉर्म में होता है। और इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं। अब इसका मीनिंग भी इसी तरह से याद करना, खेलता है, जाता है, आता है, खाता है, रोता है, सोता है, पढ़ाता है, पढ़ते हैं, इस टाइप का, ठीक है। अब इसके बाद याद करो, इतना तो आपको याद हो गया, सिंगुलर प्लुरल से सिंगुलर बना दें। अब देखो एक याद रखो, अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब समझ रहे ना, सब्जेक्ट मतलब मैं, तुम, वो, जो सेंटेंस के शुरू में होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे इसके साथ, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगाएंगे? वर्ब भी लगाएंगे सिंगुलर, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब क्या होगा? प्लुरल होगा। इतना याद रखना। अब तो इजी हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, ठीक है। सब्जेक्ट के जो जैसा सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर, प्लुरल रहेगा तो प्लुरल। लेकिन एक है जो आई, एक अलग सा सब्जेक्ट आ गया आई। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब कौन कौन सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर मैं नोट कर लेना आप लोग, कौन कौन सब्जेक्ट सिंगुलर में आता है, ही, सी, इट, या कोई नाम हो गया जैसे राधा, कोई नाम है, ये क्या है? सिंगुलर है। तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर, यानी कि इधर वाला, इधर वाला नहीं, इधर वाला, एस या एस वाला, ठीक है। अब प्लुरल वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट मतलब दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, और दो या दो से ज़्यादा नाम रहे, जैसे कि सेजल एंड गुड्डी, ये नाम हो गया, दो नाम हो गया, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा नाम रहे तो इसके साथ क्या लगाएंगे? ये क्या है? ऑलरेडी प्लुरल है, दे मतलब वे लोग, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम लोग, सेजल एंड गुड्डी, ये भी क्या है? प्लुरल है। तो प्लुरल रहेगा तो वर्ब भी क्या लगाएंगे? प्लुरल लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आई बेचारा एक अलग है, लेकिन आई है सिंगुलर, काम करता है इसके तरह, आई सिंगुलर है लेकिन काम करता है किसके तरह? ये प्लुरल वर्ब की तरह। तो है आई है सिंगुलर लेकिन काम करेगा का प्लुरल वर्ब की तरह, यानी कि आई के साथ इधर वाला लगाएंगे, इधर वाला नहीं लगाएंगे। इतना समझ गए? अब इतना समझे तो देखो यहां पे एक एग्जांपल देता हूं मैं, मैं रोटी खाता हूं,
अब देखो आपको बस सोचना है सब्जेक्ट क्या है, मैं है, मैं को क्या लिखते हैं हम लोग, आई लिखते हैं। अब आई सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो आई तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर भर्व है, लेकिन आई एक्सेप्शन में है, अपवाद है, उसको याद रखना, आई के साथ हमेशा प्लुरल लगता है। यानी कि खाता हूं का मीनिंग क्या होता है, ईट, है ना, खाता हूं का मीनिंग क्या होता है, ईट होता है, तो आई ईट। और ब्रेड का क्या होगा, रोटी का ब्रेड। यहां पे इज एम आर का कोई मतलब नहीं है, देखो खात खेलता है प्ले, या खेलता है खेलता हूं, वही बात हो गया, ठीक है, खेलती है, जाता है जाता हूं, जाती है, एक ही बात आता है, ठीक है, आता है आती हूं, या आता है आती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सोती है सोता है, सोते हो सोता हूं, सेम इसी में आता है, इसी फॉन्ट में आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से मीनिंग याद करोगे तो आराम से बनेगा। अब देखो इसको मैं मिटाता हूं, ये समझ आ गया, अब इसको मिटाते हैं हम, अब याद आ गया दिमाग में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भर्व है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल भर्व है। और ये जानो जो भर्व होता है अपना रियल रूप में, रियल शक्ल में कैसा होता है, प्लुरल होता है। सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस जोड़ते हैं, खाली आई के बारे में याद रखो, एक अलग बेचारा यहाँ पे है आई, जो कि प्लुरल के रूप में काम करता है। अब देखो आपसे ट्रांसलेशन बनेगा, यूं ही चुटकियों में ट्रांसलेशन बनने वाला है, ठीक है। जैसे देखो वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है, पढ़ती है का मीनिंग जानते हैं, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ती है, या रीड से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिपेंड, यहाँ पे सोचना है, यहाँ के वह का वह किताब पढ़ती है। अब ये तो आप सिंपल सी कॉमन सी बात है, पढ़ने वाली कौन, लड़की है, तो यहाँ पे सी लगाते हैं, क्या सी लगाते हैं, ठीक है। अब सी सिंगुलर है या प्लुरल है, तो सी है क्या सिंगुलर, क्या है सी सिंगुलर, तो भर्व क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। अब पढ़ती का मीनिंग क्या होता है, पढ़ती का मीनिंग क्या होता है, रीड होता है, रीड, ये रीड सिंगुलर है कि प्लुरल है, ये रीड है प्लुरल, सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, रीड से लगा देंगे, रीड से, है ना। तो सी है सिंगुलर, तो भर्व भी सिंगुलर लगाएंगे, सी रीड से बुक। कितना इजी से बन गया, इसको बना कि नहीं बना, और एग्जांपल समझो, तुम लोग हिंदी बोलते हो, देखो बोलते हो का मीनिंग याद है, स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, बोलता है, बोलती है, बोलता हूँ, बोलते हो, सब उसी में आता है, ठीक है। अब यहाँ समझो सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग मतलब यू, यू सिंगुलर है कि प्लुरल है, यहाँ सोचो यू क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब भी प्लुरल लगाएंगे। अब प्लुरल कैसे होता है, बोलने का मीनिंग क्या होता है, स्पीक होता है, ये स्पीक क्या है, सिंगुलर की प्लुरल, भर्व जो रियल रूप में प्लुरल रूप में रहता है, ठीक है। और जब एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, ये मैं हमेशा बता रहा हूँ, याद रखना, फिर आपको भी वन भी फाइव याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत टेंशन उसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो यू क्या है, सिंगुलर है, सॉरी यू प्लुरल है, तो भर्व ही प्लुरल लगाएंगे, यू स्पीक, और हिंदी का क्या होगा, हिंदी हो, यू स्पीक हिंदी, हो गया, कितना आसान से बन गया। और बनाओ, अशोक मोबाइल चलाता है, अशोक मोबाइल चलाता है, ठीक है। अब देखो अशोक क्या है, सिंगुलर की प्लुरल, तो अब बोलेंगे सर अशोक तो एक ही लड़का का नाम है, तो यहाँ पे लिखेंगे अशोक। अब बोलो अशोक क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। चलाना का मीनिंग क्या होता है, मोबाइल चलाना का होता है ऑपरेट, ऑपरेट मीन्स चलाना, चलाता है, चलाती है, चलाता हूँ, ये हो गया। अच्छा ये जो ऑपरेट है सिंगुलर की प्लुरल, ये क्या है, प्लुरल में है, सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस जोड़ देंगे, ऑपरेट्स, तो अशोक सिंगुलर है, तो भर भी सिंगुलर लगाएंगे, अशोक ऑपरेट्स द मोबाइल। आज समझ में, तो कितना है जिसे इसको बनाना, कोई भारी चाहे इसमें कुछ नहीं है, इसमें एज एम आर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आ गया आप लोग को। और एग्जाम्पल दूं, और एग्जाम्पल समझो, यहां देखो समा मैदान में खेलती है, हमेशा इसमें गलती क्या करते हैं, एस या एस वाला गलती कर देते हैं हमेशा, जो गलती होता है। अब देखो समा क्या है, सिंगुलर है, है ना, समा जो है सिंगुलर है, तो समा सिंगुलर, तो भर में क्या लगाएंगे, सिंगुलर, यानी कि प्ले, ये प्ले क्या है, सिंगुलर की प्लुरल,
ये प्ले है प्लुरल, देखो प्ले क्या है प्लुरल है, अब सिंगुलर क्या होता है प्लेज, तो सब गलती क्या करते हैं प्लेज को छोड़ देते, सिर्फ प्ले लिख दे, समा प्ले क्रिकेट कर देते हैं, समा प्ले इन द फील्ड करते हैं, लेकिन प्ले नहीं होगा प्लेज होगा, क्योंकि समा है सिंगुलर तो भारवी क्या लगेगा सिंगुलर, सिंगुलर कैसे भारवी बनता है एस या एस लगा करके, तो समा प्लेज इन द फील्ड है ना, मैदान में ना, इन द फील्ड हो गया, इस तरह से इसको बनाएंगे। आ रहा समझ में? ओके नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। भारत हमेशा मैच जीतता है, भारत हमेशा मैच जीतता है। अब देखो भारत क्या है, इंडिया, इंडिया सिंगुलर है कि प्लुरल है, इंडिया इंडिया है सिंगुलर तो भारत भी लगाएंगे सिंगुलर। अब ये याद है सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लुरल के साथ प्लुरल, सिर्फ आई अलग है जो प्लुरल लगता है उसके साथ, तो इंडिया हो गया सिंगुलर। और जीतना का मीनिंग क्या होता है, विन, विन मतलब होता है जीतना, तो विन सिंगुलर है कि प्लुरल, विन है प्लुरल, इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे विन्स कर लेंगे, तो इंडिया विन्स। अच्छा हमेशा है ना, तो यहां पर लिख देंगे ऑलवेज, इंडिया ऑलवेज विन्स द मैच, इंडिया ऑलवेज विंस द मैच, यहाँ पे हमेशा आ गया, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरह का जो आपका ट्रांसलेशन आपको एग्जाम में पूछता है, मैं लास्ट में होमवर्क दूंगा, यूं ही बोलूंगा आप लोग कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। एक तरह का और ट्रांसलेशन आता है जी, इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक प्रकार का और ट्रांसलेशन पूछा जाता है, जो कि मैं बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिश कर दूँ आराम से। जैसे देखो ऐसा आता है, मैं हिंदी बोलना जानता हूं, मैं हिंदी बोलना जानता हूं, ऐसे सवाल आता है, मैं हिंदी बोलना जाता हूं जानता हूं, वह कंप्यूटर चलाना जानती है, हम लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं, तुम लिखना जानती हो, मुझे मैं पढ़ना जानता हूं, इस टाइप का जानता हूं आएगा, ठीक है। अब देखो जानना का मीनिंग क्या होता है, नो, क्या होता है नो मतलब जानना या जानता है ना, ये क्या सिंगुलर की प्लुरल, ये है प्लुरल, सिंगुलर बनाने के लिए नोज कर देंगे है ना, सिंगुलर बनने के लिए क्या करेंगे नोट्स कर देंगे। तो मैं सब्जेक्ट क्या है आई, और आई सिंगुलर है कि प्लुरल, आई तो है सिंगुलर लेकिन भर्व लगाता है प्लुरल, ये स्पेशल अलग है ये, तो आई के साथ क्या लगेगा आई नो, अब यहाँ पे लगाएंगे आई नो, और यहाँ पे एक मीनिंग लगाएंगे हाउ टू, क्या लगाएंगे हाउ टू, आई नो हाउ टू, अब जैसे बनाते स्पीक, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी, देखो आई नो ये तो हाउ टू लगेगा हमेशा, जब भी रहेगा जानता हूँ, वह पढ़ना जानती है, वह खेलना जानती है, तुम लोग देखना जानते हो, आप मोबाइल चलाना जानते हो, तो जैसे जानते हो रहे तो हाउ टू लगाना है, ठीक है। और जो भी करना जान रहा, काम पढ़ना जान रहा, खेलना जान रहा, तो इसका मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें नहीं करेंगे वी वन वी फाइव, यानी इसमें सिंगुलर प्लुरल नहीं करेंगे, इसमें जो रियल मीनिंग होता है ना जानना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, यहीं पर वही रहेगा, ठीक है। एस या एस नहीं लगाएंगे, ये जो रियल मीनिंग रहेगा वही रहेगा, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी, जैसे हो गया सीता किताब पढ़ना जानती है, सीता किताब पढ़ना जानती है, ऐसे सवाल आएगा, सीता किताब पढ़ना जानती है, तो जानती वाला जब भी आए तो क्या लगाना हाउ टू, याद रखना हाउ टू, तो सीता तो शुरू में लिख देते हैं सीता, सीता सिंगुलर है कि प्लुरल, सिंगुलर है तो भर्व भी लगेगा सिंगुलर, जानना मीनिंग होता है जानना, ये देखो दोनों सेम मीनिंग, जानता है जानती है, अब सीता सिंगुलर तो भर्व भी क्या है सिंगुलर, देखो यहाँ पे ये सिंगुलर है, ऐसे लगने से प्लुरल नहीं बनेगा भर्व में, याद रखना भर्व हमेशा होता है प्लुरल के रूप में, जो कि प्लुरल है और उसको सिंगुलर बनाते हैं एस या एस लगा कर, सीता नोज, जहां एस नहीं लगाएंगे ट्रांसलेशन गया काम से, गलत हो जाएगा, सीता नोज हाउ टू हो गया। अब पढ़ना क्या होता है रीड, हाउ टू रीड बुक, सीता नोज हाउ टू रीड बुक, आ रहा समझ में? इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आता है कि मैं खेलना जानता हूँ, तुम पढ़ना जानता हूँ, जानता वाला भी सवाल आता है, गाइड अगर आपके पास रहेगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेंगे ट्रांसलेशन वाला, इसमें क्या है ट्रांसलेशन आपको टेंस वाला सवाल कहीं भी दे सकता है, ठीक है, वह खा रहा है, वह खा चुकी है, तुम लोग आ रहे हो, मैं दो महीने से पढ़ रहा हूँ, ये सवाल दे सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक वीडियो में एक ट्रांसलेशन का एक फॉर्मेट जो है, जैसे प्रेजेंट इन्फिनिट हो गया, फिर पास्ट इन्फिनिट करा दूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एक ही बता दूंगा, तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। शुरू से तो पढ़े ही होंगे, 6, 7, 8, 9 में तो पढ़े होंगे, है ना, तो ये थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद फिर मैं सभी को होमवर्क दूंगा, ठीक है। सभी लोग होमवर्क लिखना, कॉपी किताब निकाल कर रखना सब लोग।
और सब होमवर्क बनाकर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, ठीक है। तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, ठीक है। क्या बनेगा, यू हो गया। अब देखो जानना का मतलब तो नो होता ही है, तो नो जब होता है तो यहाँ पे यू क्या है, प्लुरल है, तो नो मतलब नो क्या है, के एन ओ डब्ल्यू ऑलरेडी प्लुरल है, यू नो। और हाउ टू लगाएंगे क्योंकि जानना आ गया, यू नो हाउ टू क्या, खेलना, यू नो हाउ टू इस खेलना है ना, प्ले, यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, यहाँ इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। एक एक और स्टेप का बनता है, तो जानने वाला मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा जानने वाला कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बस कुछ नहीं, बस सिर्फ हाउ टू लगाना है, और जो खेलना जानते हैं पढ़ना जानते हैं उसको रियल मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे, चेंज करेंगे इसमें सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा उसमें चेंज करेंगे, नो या नोज। अभी तो बता दिए किसके साथ नो लगाना, किसके साथ नोज नहीं लगाना, ये तो समझ में आ गया आपको। फिर एक ऐसे आता है, मैं आम खाना चाहता हूँ, मैं आम खाना चाहता हूँ, अगर ऐसे आ जाए तो। चाहना का मीनिंग क्या होता है, अब यहाँ पे हाउ टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाउ टू लगाएंगे कब, जब जानना रहेगा तब हाउ टू लगाएंगे, बस और किसी में नहीं लगाना है। अब देखो यहाँ पे दो आ गया, खाना और चाहना, खाना और चाहना दो आ गया, तो शुरू में क्या होगा, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई सिंगुलर, तो भर्व भी सिंगुलर, हमेशा भर्व उठाएंगे पीछे वाला, पीछे वाला, सबसे पीछे वाला जो भर्व होगा उसे उठाएंगे, इसको नहीं, पीछे वाला, यहाँ पे देखो पीछे वाला उठाए थे, है ना। आई अचानक क्या होता है, वांट, आई वांट, देखो आई सिंगुलर है, आई भर्व क्या है, प्लुरल है, तो आई के साथ तो प्लुरल आता ही है, एक्सेप्शन है। आई वांट, और खाना भी यहीं पर आ गया तो टू लगाएंगे, आई वांट टू ईट, आई वांट टू ईट अ मैंगो, आई वांट टू ईट ए मैंगो या आ मैंगो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ईट और टू वांट दो भर्व आ गया, इसके बीच में हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब दो भर्व आ जाए तो उसके बीच में टू का इस्तेमाल करते हैं, आई वांट टू ईट अ मैंगो, आई वांट टू ईट ए मैंगो, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, इसको कैसे बनाएंगे, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू गो देयर। तो इतना काफी एग्जांपल मैं बता दिया आपको, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाएंगे। इसका रियल मेन रूल क्या है, मेन रूल देखो यही है कि शुरू में सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद भर्व आना ही आना है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ भर्व आएगा और भर्व के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले नहीं जाना है, सब्जेक्ट के बाद पहले भर्व आएगा। ये देखो खाना है, खाता हूँ, जाता हूँ, ईट, गो, प्ले, कम, ये सब भर्व है, तो सब्जेक्ट के बाद भर्व आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो काम हो रहा, रोटी, प्ले क्रिकेट या इन मैंगो, देयर, ये सब क्या हो गया, ये सब भर्व हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, आप लोग फटाफट लिखो। तुम मुझे पढ़ाते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना तो, ठीक है। रेखा वहाँ जाती है, वह मेरा घर आता है, हम लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं, रोहन और मोहन कंप्यूटर चलाना चाहता है। चलो पांच ही काफी है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बनाओ, हो सकता है तो कमेंट में आंसर दे दो या तो फिर इसको टेलीग्राम पर आंसर देना। टेलीग्राम कैसे देंगे, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, टेलीग्राम, और वहां पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन
2021। यहाँ पे सर्च करना टेलीग्राम पर, एक ग्रुप आएगा उसमें ज्वाइन होना और वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज करना, ठीक है, वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं इसका रिप्लाई करूँगा आप लोग को, ठीक है। चलो तो मैं कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा सा लगा है, समझ में आ गया है तो नीचे लाइक का बटन दिया, लाइक करो, और जो पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।